इस भारत को जीवित करेगा। आजादी केवल एक दफे पानी से रह नहीं जाती, हर समय उसके लिए लड़ना होता। We the people of India, all sections, all languages, all religions, and it is if we can combine together and really have a united stand and treat this as the tremendous struggle that it is, a struggle against poverty and backwardness, that we can win through and hold our own with the advanced nations of the world. Namaskar, main aapka dost Pritam Lakhwal SW24 News Channel mein aapka swagat karta hoon. Hum आज एक विशेष कार्यक्रम लेकर आए हैं। देश की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का आज जन्मदिन है, इस पर उनसे संबंधित जानकारी दर्शकों से साझा करेंगे। तेज से दमकता चेहरा और दृढ़ निश्चय से तना हुआ सिर कहीं नज़र आता था तो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का होता था। धरती पर बैठकर अंतरिक्ष में राकेश शर्मा से बात करने का गौरवपूर्ण क्षण हो या सभाओं में देश की जनता को संबोधन, इसमें उनका राष्ट्र चिंतन कूट कूट कर भरा होता था। आत्मविश्वास से परिपूर्ण ओजस्वी और कालजयी फैसलों से पूरी दुनिया को अवाक कर देने की क्षमता अगर किसी महिला राजनेत्री में देखने में आई तो वह इंदिरा गांधी में, जिनकी निर्णय क्षमता से विपक्ष भी उनका कायल रहा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी की, जिनका आज 104वां जन्मदिन है। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को नेहरू परिवार में हुआ था। इनके पिता जवाहरलाल नेहरू और माता कमला नेहरू थीं। इंदिरा को उनका गांधी उपनाम फिरोज गांधी के विवाह के बाद मिला। इनके दादा मोतीलाल नेहरू प्रमुख राष्ट्रवादी नेता थे। इनके पिता जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख व्यक्तित्व थे और आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे। बच्ची इंदिरा भी देश के स्वाधीनता आंदोलन के प्रभाव से अछूती नहीं रहीं। उन्होंने बानर सेना का गठन किया और इसके माध्यम से बच्चों और युवाओं को एकत्र किया और साथ लेकर स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ गईं और इस आंदोलन में महत्वपूर्ण संदेश और दस्तावेज आंदोलनकारियों और क्रांतिकारियों तक पहुंचाने का कार्य इन्होंने किया। वर्ष 1934-35 में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद इंदिरा ने शांति निकेतन में राष्ट्र कवि रविन्द्रनाथ टैगोर के विश्व भारती विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। टैगोर ने ही इन्हें प्रियदर्शिनी नाम दिया था। इसके बाद वे इंग्लैंड चली गई और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में बैठी, लेकिन यह उसमें विफल रही और ब्रिस्टल के बैडमिंटन स्कूल में कुछ महीने के बाद 1937 में परीक्षा में सफल होने के बाद इंदिरा ने सोमरविल कॉलेज ऑक्सफोर्ड में दाखिला लिया। इस दौरान उनकी अक्सर फिरोज गांधी से मुलाकात होती थी, जिन्हें वे इलाहाबाद से जानती थी और वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अध्ययन कर रहे थे। 16 मार्च 1942 को आनंद भवन इलाहाबाद में एक निजी धर्म ब्रह्म वैदिक समारोह में इंदिरा का विवाह फिरोज से हुआ। ऑक्सफोर्ड से 1941 में भारत वापस आने के बाद वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गई। 1950 के दशक में वे अपने पिता के भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल के दौरान गैर सरकारी तौर पर एक निजी सहायक के रूप में उनके साथ रहीं। पिता की मृत्यु के बाद सन 1964 में उनकी नियुक्ति राज्यसभा सदस्य के रूप में हुई। इसके बाद वे लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में सूचना और प्रसारण मंत्री बनी। शास्त्री जी के आकस्मिक निधन के बाद कांग्रेस पार्टी तत्कालीन अध्यक्ष के कामराज की इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। इंदिरा गांधी ने शीघ्र ही चुनाव जीतने के साथ ही जनप्रियता के माध्यम से विरोधियों के ऊपर हावी होने की योग्यता दर्शाई।
वे अधिक वाम वर्गीय आर्थिक नीतियां लाई और कृषि उत्पादकता को बढ़ावा दिया। 1971 के भारत पाक युद्ध में एक निर्णायक जीत के बाद अस्थिरता की स्थिति में उनको वर्ष 1975 में आपातकाल लागू करना पड़ा। उन्होंने और कांग्रेस को 1977 के चुनाव में पहली बार हार का सामना करना पड़ा। वर्ष 1980 में सत्ता में वापसी करने के बाद वे अधिकतर पंजाब के अलगाववादियों के साथ बढ़ते हुए द्वंद में उलझी रहीं। वर्ष 1959 और 1960 के दौरान इंदिरा चुनाव लड़ी और कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी गई। पंडित नेहरू का देहांत 27 मई 1964 को हुआ और इंदिरा नए प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रेरणा से चुनाव लड़ी और सूचना और प्रसारण मंत्री के लिए नियुक्त होकर सरकार में शामिल हुई। हिंदी के राष्ट्रभाषा बनने के मुद्दे पर दक्षिण के गैर हिंदी भाषी राज्यों में दंगा छिड़ने पर वह चेन्नई गई। वहां उन्होंने सरकारी अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया, समुदाय के नेताओं के गुस्से को शांत किया और प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण प्रयासों की देखरेख की। वे संवाद माध्यम उन्मुख तथा राजनीतिक छवि तैयार करने की कला में दक्ष थीं। 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा था। इंदिरा श्रीनगर सीमा क्षेत्र में थी। हालांकि सेना ने चेतावनी दी थी कि पाकिस्तानी घुसपैठिए शहर के बहुत ही करीब तेजी से पहुंच चुके हैं। ताशकंद में सोवियत संघ की मध्यस्थता से पाकिस्तान के अयूब खान के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के कुछ घंटे बाद ही तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया। तब कांग्रेस के अध्यक्ष के कामराज ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री में बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देश के दिग्गज भाजपा नेता और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कर पृथक राष्ट्र का दर्जा दिलवाने पर इंदिरा गांधी को लोह महिला के नाम से संबोधित कर दुर्गा की उपाधि से सम्मानित किया था। उनके कई फैसले ऐतिहासिक और साहसिक रहे, जिनकी आज भी मिसाल दी जाती है। ये निमाड़ की धरती का दुर्भाग्य रहा कि उनकी अंतिम सभा खरगोन जिले के विकनगांव कस्बे में 30 अक्टूबर 1984 की हुई थी और इसके अगले ही दिन 31 अक्टूबर 1984 को के ही अंगरक्षकों ने गोलियों से भून दिया था। इस दिल दहलाने वाली घटना से समूचा देश स्तब्ध रह गया था। यह था हमारा विशेष कार्यक्रम। अब मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए SW24 न्यूज़ चैनल। नमस्कार, धन्यवाद। मुझे चिंता नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं, और जब तक मुझमें सांस है तब तक सेवा ही नहीं जाएगी, और जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूं कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा। Thank you.